हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल इंग्लिश में ही इज सी इज। अब देखो यहाँ दिया है ही इज, यानी बॉय या मैन के लिए ही यूज़ करते हैं। सी गर्ल या तो वुमन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी। ये दोनों जेंडर जो अलग अलग हैं उनके लिए अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम कह रहे हैं ओम इज़ गुड बॉय, तो ओम को हमें बोलना है तो ही इज़ गुड बॉय। राधा इज़ अ क्लेवर, सी इज़ क्लेवर। ओके, राधा के लिए सी यूज़ किया, ओम के लिए ही यूज़ किया। नाउ सी हियर द स्पीकर्स एंड द लिसनर्स मेक यूज ऑफ आई वी एंड यू व्हाइल टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। ओके, अब मैं अपनी ही बात करूँगी तो मैं आई यूज़ करूँगी, या तो हम सब अपनी ही बात करते हैं तो वी यूज़ करेंगे। ओके, और मैं आपकी बात करूँगी, ओनली एक ही आप, यानी कोई मेरे सामने खड़ा है ओम, तो मैं ऐसे बोलूँगी यू। लेकिन ओम के अलावा बहुत सारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैं क्या बोलूँगी, तब भी यू बोलूँगी। ओके, तो पहले तो मैं आपको साइड पे बताती हूँ कि कौन कौन से हैं हमारे जो बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल पर्सन। नाउ सी हियर, देखिए यहाँ हमने लिखा है सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक ही, ये सारे लोग एक ही है। आई यानी मैं, यू यानी कोई एक ही लड़का या लड़की खड़ी है। यू, यू आर अ बॉय, यू आर गर्ल, यू आर क्लेवर। ओके, फिर यहाँ देखो ही सी इट, तो ही यानी कोई एक ही लड़का या एक ही मैन, सी यानी एक ही गर्ल या तो एक ही वुमन, और इट यानी जो थिंग्स है जैसे कि टेबल, चेयर, एनिमल्स, बर्ड्स, वो सारे वो इट में आते हैं। तो वो भी क्या है, एक ही टेबल है, एक ही बर्ड है, या तो एक ही काउ खड़ी है, इस तरह से लेना है। ओके, यानी सिंगुलर यानी ये सारे लोग कैसे हैं, ओनली वन। जब यहाँ देखते हैं तो हम सब साथ में बोलते हैं तो वी आर स्पीकिंग। ओके, अगर हम सब साथ में कोई एक्टिविटी करते हैं तो वी आर ड्राइंग। ओके, यू आर स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट हो बहुत सारे, वन से ज़्यादा, तो ये जो लोग हैं वो सारे वन से ज़्यादा है, दे। तो समझ लो कि सीनियर केजी का पूरा क्लास है तो दे आर क्लेवर। ओके, अगर जूनियर केजी का क्लास खड़ा है तो दे आर डांसिंग नाउ। ओके, तो वन से ज़्यादा है और ये लोग दे आर, तो यहाँ देखो नहीं मेरी बात है नहीं आपकी बात है, हम दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की। ओके, तो यहाँ क्या यूज़ किया हमने, दे। नाउ स्टूडेंट, ये वन से ज़्यादा लोग हैं। ओके, नाउ वी रीड द सेंटेंस। नाउ स्टूडेंट वी रीड द सेंटेंस। ओके, मैं स्पीकर हूँ और आप लिसनर। यहाँ ये बॉय है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, तो ही इज़ कुणाल, तो आपको यहाँ भी लिखना है ही इज़ कुणाल। ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट। ओके, मैंने आपको इसकी माहिती दी। ओके, एक ही है। यहाँ देखो सी इज़ अ मिस सुनंदा जोशी, ये कौन है, मिस सुनंदा जोशी। सी इज़ अ टीचर, मैं बोलती हूँ आप सुन रहे हो, और मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, सुनंदा जोशी के बारे में। तो आपको ऐसे रीड करना है और राइट भी करना है। अभी यहाँ देखिए सी इज़ पूर्णिमा राव, मैं आपको बता रही हूँ कि ये कौन है, सी इज़ पूर्णिमा राव, क्योंकि गर्ल है। ओके, और वन है सी। सी इज़ अ नर्स, वो क्या है, नर्स है, सी इज़ अ नर्स। नाउ सी हियर, यहाँ देखो ये जो मैन है उसके बारे में आपको बता रही हूँ, तो मैन के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, ही इज़ अ नामदेव, ही इज़ अ प्यून, वो कौन है, प्यून है। ओके, नाउ स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट वी राइट हियर, इस तरह से आपको पूरा लिख लेना है और बोल बोल के लिखना है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।